शिक्षा एक प्रगतिशील समाज का मूल है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान एक जानवर या प्राणी ही रह जाता है। शिक्षा, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी से मानव का विकास होता है, जिससे वो अपने कर्तव्य का पालन करना सीखता है। एजुकेशन इंसान को अपने वातावरण के साथ परिवर्तन करना सिखाता है, और उसी के माध्यम से लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि क्या गलत है और क्या सही। कुछ गलत काम ऐसे होते हैं जिनकी सजा मिलनी जरूरी होती है, ऐसे गलत काम जिनकी सबको जानकारी नहीं कि वो गलत है। यही सीखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि लोगों को ये समझ आए कि किस काम की क्या सजा मिलती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, 60 करोड़ लोग 25 उम्र की वर्ष के नीचे हैं और 28% पॉपुलेशन 14 की उम्र के नीचे। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस यूथ पॉपुलेशन को अपना ह्यूमन रिसोर्स बना के इंडिया प्रगति की राह चल सकता है। भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें गरीबी अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसी ही स्थिति में इंडिया को इस बात पर ध्यान रखना है कि वो अपने यूथ को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दे, जिससे वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे सके और उसे आगे भी ले चले। वेस्ट इंडिया में गुजरात अपना एजुकेशन 4 हिस्सों में बांटता है, जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी आता है। गुजरात एजुकेशन डेवलपमेंट पर 9 नंबर में प्रदान करता है, जो हर स्टेट का प्रदर्शन देखता है एजुकेशन में। इस स्टेट की पढ़ने की अयोग्यता ग्रामीण हिस्सों में 62% है और शहरों में 89% है, पर गुजरात गवर्नमेंट अपने खर्चों में से सिर्फ 14.4% शिक्षा की तरफ डालती है, जो इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स के सामने बहुत कम है। दूसरी तरफ केरला, एक छोटा सा स्टेट साउथ वेस्ट इंडिया में, भारत की स्थिति से काफी अलग है। केरला में पूरे देश की सबसे हाई लिटरेसी रेट 96.8% है, और ये ही नहीं, उसे कुछ साल पहले एक फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा दिया गया था। केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने अपना ध्यान और खर्चा एजुकेशन, लिटरेसी और वेलफेयर पे ज्यादा दिया है, जिसकी वजह से आज केरला में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स चलती है। 58.5% बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल है, जिसको अगर प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें, जहां सिर्फ 34.3% दाखिल हुए हैं, तो ये परसेंट में काफी अंतर नजर आता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में नागालैंड, जो देश का सबसे छोटा स्टेट है, पर एक ऐसा स्टेट जहां लिटरेसी रेट बाकी स्टेट से काफी ज्यादा है। नागालैंड में लिटरेसी रेट 80.11% है, जिसमें लड़कों का रेट 83.29% है और लड़कियों का 76.69% है। नागालैंड में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं, टीचर की भी पढ़ाई उतनी ही आवश्यक है। अगर किसी देश में कोई बड़ा बदलाव लाना हो, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा को बदलते हैं। जुलाई के महीने में भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली, करीब 34 साल बाद। ये एनईपी काफी सारे ऐसे बदलाव लाती है जो बदलते समय के साथ लाने जरूरी थे, और ऐसे बदलाव लागू करेगी जिससे इंडिया का भविष्य बनेगा और जिसमें ध्यान मार्क्स से ज्यादा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे होगा। कुछ बदलाव जो इस पॉलिसी के आने से होंगे, वो है शिक्षा सब बच्चों के लिए 18 की उम्र तक फ्री कर दी जाएगी, जिससे कि ड्रॉप आउट कम हो। 10+2 के पढ़ाई के स्ट्रक्चर को बदल कर अब 4+3+3+2 का स्ट्रक्चर अपनाया जाएगा, जिससे कि उम्र के अनुसार विकास हो। स्टूडेंट्स को रीजनल लैंग्वेज में 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा, जिससे कि समझना आसान हो। इंग्लिश तब तक सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाएगा। हायर एजुकेशन में जो स्ट्रीम का बैरियर था, उसे निकाल दिया जाएगा।
स्टूडेंट्स को अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहेगा। स्टूडेंट अगर ड्रॉप आउट है तो उसका क्रेडिट स्कोर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा। इसके बाद अगर उसे फिर से पढ़ाई जारी करनी हो तो उसे एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। इस पॉलिसी के ज़रिए जेंडर इक्वेलिटी की मांग को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हर बच्चे को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर जेंडर बायस यानी कि लड़का लड़की और लिंग में अंतर करना भारत में आज भी बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियों को पढ़ाई के लिए इतने अच्छे और बड़े अवसर नहीं मिलते जितने लड़कों को दिए जाते हैं, क्योंकि लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो घर पर बैठ के घर के काम देखें और लड़के पैसे कमा के लाएं। यही बातें बच्चों को किताबों में दिखाई जाती हैं, जिसमें लड़के हंसते खेलते हुए दिखाए गए होते हैं और लड़कियां घरों के काम करते हुए। इंटरनेशनल जनरल ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च के नाते इंडियन परिवार अपनी बेटियों की पढ़ाई और खाने पर उतना पैसा खर्च नहीं करते जितना अपने बेटों के लिए करते हैं, क्योंकि उनका समझना है कि बेटियां पराया धन होती हैं। भारत में आज भी लड़कों की पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन फिर भी लड़कियों पर हो रहे जुल्म कम नहीं हुए। लड़कियों का रेप, दहेज के नाम पर मर्डर, अपहरण और तो और गर्ल चाइल्ड को पैदा होते ही मार दिया जाता है। और ये क्राइम्स ज़्यादातर नंबरों में लड़कों के हाथों ही किए जाते हैं। NCERB के द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 32.4% क्राइम पति या उनके रिश्तेदारों के हाथों होते हैं। 25% क्राइम महिलाओं की इज्जत खराब करने के लिए उन पर हमला करना। रेप की संख्या 11% है और इन्हीं में से 4% लोअर कास्ट पर। भारत में एवरेज रिपोर्ट केस प्रति 1 लाख है। दिल्ली में यही रेट 22.5%, सिक्किम में 22.5% और वहीं तमिलनाडु में, जो इंडिया का एक हाईली रिट्रीट स्टेट है, वहां 1 प्रति 1 लाख से भी कम रेप केसेस पाए जाते हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में 4% केसेस अभी भी अनरिपोर्टेड जाते हैं, कि शर्म से कि लोग क्या कहेंगे। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि कंप्लेंट फाइल करना इन स्टेट्स में कम नजर आता है, जहां फीमेल लिटरेसी रेट कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। IRIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 42.4% औरतें घरेलू हिंसा का शिकार बनी हैं, जबकि गोवा में केवल 16% औरतें ने इसका सामना किया है। मेट्रो स्टेट्स में औरतों का जीवन बाकी से बेहतर है। दिल्ली में 14.3% औरत हिंसा का शिकार बनी और मुंबई में 19.5%, जो चेन्नई और कोलकाता से बेहतर है, जहां 40.8% और 24.4% हिंसा का शिकार बनी। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक हाथरस गांव में 19 साल की दलित लड़की का 4 ठाकुर लड़कों ने गैंग रेप किया, उसकी जीप तक काट दी और उसके बाद उसका स्पाइनल कॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐसी हालात में लड़की की मां ने उसको पाया, जहां से उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। 4 दिन तक उसका कोई इलाज नहीं मिला, ये बोल के कि लड़की नाटक कर रही है। इस केस से साफ नजर आता है कि लिंग श्रेणी और जहां हाथ का अपराध से लेना देना होता है। ऐसा ही एक केस 2014 का यूपी के कटरा गांव में, जिसमें 2 बाल उम्र की दलित बहनों का उनके मालिक ने रेप किया, इसी कारण कि उन्होंने हिम्मत की अपनी सैलरी 3 रुपए से बढ़ाने की। उस जाति के आदमी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित ने उससे किसी चीज की मांग कर दी। उन 2 लड़कियों का अपहरण किया गया, उसके बाद उनका गैंग रेप किया गया और उन्हें फिर पेड़ से लटका दिया गया। इसी तरह की हरकत सिर्फ औरतों का नियंत्रण में लाने के लिए नहीं, पर जाति की रचना को बनाए रखने के लिए भी की जाती है। इस तरह के हजारों कास्ट बेस्ड क्राइम भारत में पाए जाते हैं और SC और ST के खिलाफ है। 2019 में दलित और SC के खिलाफ किए गए जुर्म 6% बड़े और ST के खिलाफ किए गए 26% बड़े हैं। इन्हीं में से भारत के सबसे ज्यादा कास्ट बेस्ड क्राइम में राजस्थान में 554 रेप केसेस हैं, जहां औरत SC की हैं। उत्तर प्रदेश में 537 और फिर बिहार में 510 केसेस। पर दलित युवा में उठी थी आशा, उनकी जिंदगी सुधारी, लेकिन इसी कारण उनके खिलाफ होने वाले जुड़े लोग भी उतने ही बड़े हैं, क्योंकि अभी भी लोगों से हजम नहीं होता कि दलित समाज का सदस्य है। क्राइम एक ऐसी चीज है जिससे कभी खत्म नहीं किया जा सकता,
पर उसे कम जरूर किया जा सकता है एजुकेशन के जरिए। एजुकेशन के जरिए से लड़कों और लड़कियों दोनों को समझ और शिक्षा मिलती है कि क्या गलत है और क्या सही है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे बदलाव लाती है जिन पर जरूरत सालों से है। इस पॉलिसी के आने से इंडिया का फ्यूचर और एजुकेशन दोनों बदलेगा, नई उम्मीद देगा। पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी हैं जिस पर इसे पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी इंडिया में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग अभी भी बात करने में घबराते हैं, शर्माते हैं या चुप रहने में समझदारी मानते हैं। इस विषय को अभी भी एक ढाल के पीछे छुपा कर रखा गया है। हमारी नई पॉलिसी में सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, ना इस विषय की तरफ किसी भी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इंडिया में हजारों ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बाल उम्र की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जिनमें उन्हें अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। यह एक बड़ी ही डराने वाली स्थिति होती है जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाता है। इंडिया जैसे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत जरूरत है। इसकी जरूरत ना केवल गर्भ अवस्था रोकने के लिए है मगर बढ़ते रेप केसेस को रोकने के लिए भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लोगों को अभी तक सेक्स की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती, सिर्फ प्लेजर एक्टिविटी समझा जाता है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के रेप केसेस कम करने के लिए, प्रेगनेंसी टालने के लिए और तो और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सेक्स एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण है, पर इसका अभी भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जिस देश में इस विषय के बारे में चर्चा करने की जरूरत है, जहां सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, उस जगह इसकी मौजूदगी ना होना बड़ी ही शर्मनाक बात है। एजुकेशन दोनों लिंग में बराबरी में होना इसलिए जरूरी है ताकि लड़कों को पता रहे कि सीमा क्या है और क्या सोच सही है, और लड़कियों को पता रहे कि उनके अधिकार क्या हैं। यह जानकारी उन्हें शिक्षा के माध्यम से ही मिलेगी, जिससे क्राइम रेट में बदलाव आएगा, यानी क्राइम रेट में गिराव आएगा और औरतों के लिए इक्वालिटी खड़ी होगी। इस तरीके के घिनौने क्राइम जैसे कि औरतों और लड़कियों पर अत्याचार और बलात्कार, उन्हें मिटाने और कम करने के लिए सिर्फ पनिशमेंट और लो से कुछ नहीं होगा। सरकार को शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाना पड़ेगा। नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है ताकि बच्चों और बूढ़ों को जानकारी मिले कि क्या हो रहा है और क्या सही है। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एजुकेशन सुधरेगी लेकिन सोच नहीं। सोच बदलने के लिए कुछ अवश्य विषय डालने की जरूरत है। इस तरह वही पुरानी सोच लेकर अगर चलते रहे तो देश आगे बढ़ सकता है परंतु लोग नहीं। शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज के जरिए ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और गैर संस्था के जरिए भी मिलती है। पढ़ा लिखा होने से ही एक इंसान अच्छा और बुरा का अंतर नहीं समझता। पढ़ा लिखा आदमी भी जुर्म करता है और अनएजुकेटेड भी अच्छे काम और अच्छा इंसान होता है। हर इंसान का ये फर्ज है कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक जिम्मेदारी के साथ रहे। शिक्षा के माध्यम से इंसान की प्रगति होती है परंतु इंसान के सोच और विचार उसके अपने होते हैं। उसके निर्णय उसकी शिक्षा से प्रभावित होते हैं परंतु बदलते उसके स्वभाव और विचार से ही है।